हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस बेबी मामला, दिस इज सपना। दोस्तों, आज का मेरा जो वीडियो है वो है बेबी फूड रेसिपी वीडियो, जिसमें मैं आपसे आज एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है गुलगुला, जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत लोग उसे मीठी पूड़ी, मीठी आटे की पकौड़ी या फिर आटे की पकौड़ी, ऐसे कई नामों से जानते हैं। इस रेसिपी को शेयर करने का सिर्फ एक मोटिव है मेरा, वो है कि ये एक बेबी वेट गेनिंग फूड है। बहुत ही इजी रेसिपी है जिसे आप बहुत ही जल्दी 2 मिनट में फटाफट अपने बच्चे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। जिसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है आटा, थोड़ा सा शुगर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा देसी घी, बस, जिसे एक अच्छा हेल्दी नाश्ता आप अपने बच्चे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बच्चे जब तक छोटे होते हैं उनको खिलाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। हम उन्हें उस जरिए सारे न्यूट्रिशंस जो हमको देना है उन्हें, हम उन्हें इजीली दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उन्हें न्यूट्रिशंस देना, उन्हें खाना खिलाना एक हमारे लिए टफ कॉम्पिटिशन बनता जाता है। मैं ये जो मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, कोई बहुत ही यूनिक सी रेसिपी नहीं है, बहुत ही जनरल सी, बहुत ही कॉमन सी रेसिपी है, जो शायद आपकी मम्मी, नानी, दादी आप लोगों के लिए ट्राई भी करते होंगे। मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, तो मेरी मम्मी, जैसे होता है ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो ऐसा क्या दे जिससे कि वो, ऐसा हमको सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ, हमारे बच्चे ने कुछ तो अच्छा खाया है, तो ये बनाती थी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं, क्योंकि पसंद था तो मैं इसे बहुत मन से खाती भी थी। और मैं, ये लगता नहीं है कि आपने बच्चे को खाना खिलाया, बच्चे एक मस्ती में स्नैक के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में ईजिली खा लेता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसने एक हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड खाया हुआ है। एज अ मॉम हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे बच्चे को हेल्दी फूड इंट्रोड्यूस करने का, हेल्दी फूड देने का, जिसके लिए हम उसकी पसंद के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ हेल्दी वे में चेंज करना चाहते हैं कि जिससे हमारे बच्चे को हेल्दी फूड भी मिले और उसकी पसंद भी बनी रहे और उसको उसके पसंद का खाना भी मिलता रहे। तो ये रेसिपी अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। 2 मिनट में नाश्ता रेडी हो जाएगा, बहुत बनाने में भी इजी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और बच्चे के लिए एक अच्छा फूड है वेट गेनिंग का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आज गुलगुला बनाने के लिए मैंने ले लिया है इतना सा आटा, आप चाहे तो आटे की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, और इतना शुगर, आप चाहे तो शुगर की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको गुड़ प्रेफर करना है तो। इसके अलावा मैं लूँगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ बिना बेकिंग सोडे के भी ये गुलगुला बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्लफी और टेस्टी बनता है। अब मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करके एक पेस्ट के जैसा बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैं इसे 2 मिनट के लिए गूंथ के छोड़ दूँगी, ढक दूँगी, ताकि ये अच्छे से उसमें एडजस्ट हो जाए और जो शुगर मैंने ऐड किया हुआ है वो अच्छे से गल जाए। तो मैंने 2 मिनट के लिए एटलीस्ट इसको छोड़ देना है। उसके बाद मुझे इसे डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए आप चाहे तो देसी घी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप रिफाइंड ऑयल अगर प्रेफर करते हैं तो रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल और तेल मेरा अच्छी तरीके से हो चुका है। अब मैं इसे तल लूँगी। तलने के लिए हाथों में मैंने थोड़ा सा पानी लगाया हुआ है, पानी लगाने से जो आटा है वो हाथों पे उतना चिपकेगा नहीं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से डाल के तल लूँगी। आप चाहें तो स्पून के ज़रिए भी डाल सकते हैं एक एक स्पून, लेकिन मैं हाथों से डालूँगी। पकौड़ियाँ जो हैं छोटी छोटी ही डालें, क्योंकि जो उसमें बेकिंग सोडा है डाला हुआ है हमने, उसकी वजह से वो इतना बड़ा बड़ा उसमें फूल जाएगा कि उसमें जगह कम पड़ जाती है। और मैं पहले थोड़ी थोड़ी ही डाल के तलूँगी। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में बच्चों को हेल्दी फूड देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, क्योंकि बच्चों को हेल्दी फूड पसंद ही नहीं आते, क्योंकि वो जंक फूड के लवर हो चुके हैं। तो इस कंडीशन में हमें हमारे जो हेल्दी फूड हैं उन्हीं का टेस्ट थोड़ा चेंज करके, जो वो पसंद करें उस टेस्ट के, टेस्ट में, उस फॉर्म में चेंज करके उन्हें फूड इंट्रोड्यूस करना होता है। तो एक बार ज़रूर अपने बच्चे को ट्राई कीजिएगा, अगर बच्चा खाता है इसे तो बहुत ही हेल्दी है, ये उसका पसंदीदा भोजन भी बन सकता है, पसंदीदा स्नैक्स भी बन सकता है। आप इसे ज़रूर एक बार घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही टेस्टी होता है।
मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाएं, अदरवाइज ये बहुत जल्दी जल जाता है। गांव में तो मुझे लगता है सबके घरों में बनता ही होगा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बचपन में तो मैं खाना खाती नहीं थी क्योंकि मुझे खाना पसंद ही नहीं था, तो मम्मी इसी तरीके की खाने बना बना करके देती थी। और एक चीज़, अगर आपको शुगर नहीं डालना है तो आप नमक डाल के भी ये पकौड़ियाँ बना सकते हैं, नमक वाली पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप अगर नमक वाला ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार नमक वाला भी ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप आम की चटनी या फिर धनिया पुदीना की चटनी, जो आप ज़्यादा पसंद करते हो उसको भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो अब मैं फटाफट अपने सारे पकौड़ियाँ इसमें तल लूँगी अब जल्दी जल्दी। अगर आप अपने घर में पहले से बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस पकौड़ी को क्या कहते हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जो मैंने मिस कर दिया हो और आप उसे करते हों तो भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊं तो मैं उसमें थोड़ा सुधार कर सकूं अपने इस डिश में। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे गुलगुले बन चुके हैं, तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे हमारे जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको सर्च लिस्ट में जा करके हमारे वीडियो को सर्च ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्विंस बेबी मॉम लव।